हो गया है पहली बहस का। कांग्रेस ने आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपना ट्रंप कार्ड चलते हुए प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतार दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी गई है। प्रियंका के राजनीति में आने से विपक्षी खेमों में हलचल तेज हो गई है। जानकारों की माने तो प्रियंका गांधी की एंट्री से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से लेकर बीजेपी दोनों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी और एसपी बीएसपी गठबंधन अपनी रणनीति फिर से तैयार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोकसभा से पहले प्रियंका को कमान देना क्या कांग्रेस की मजबूरी है या बीजेपी समेत दूसरे दलों पर दबाव डालने की पॉलिटिक्स है? और सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव से पहले खस्ता हाल पड़ी कांग्रेस को जान दे पाएंगी प्रियंका गांधी? क्या प्रियंका लाएंगी कांग्रेस के अच्छे दिन? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पहली बहस में हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं आपका तारुफ करा देती हूं। रोहित चहल जी बीजेपी के नेता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेरणा सिंह जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमसे जुड़ेंगी। नईम अब्बास जी बीएसपी के सपोर्टर है। विद्याशंकर तिवारी सर कंसल्टिंग एडिटर है इन खबर में। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और मनीष अवस्थी सर चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं। तो ये सभी पहली बहस के इस बड़े पैनल का हिस्सा हैं। चर्चा की शुरुआत करें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी की। कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की तैयारी है। रोहित जी आपके साथ मैं शुरू कर लेती हूं। प्रियंका नहीं आंधी है, आज की इंदिरा गांधी है, यही नारा लग रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्या रणनीति बदलनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में? पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ भी आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस का निजी इंटरनल इशू है, उनका आंतरिक विषय, वो जिसको मर्जी जो मर्जी बनाए। एक चीज, दूसरी बात, मैं प्रियंका जी को शुभकामनाएं दूंगा। इंटरनल इशू है तो कल क्यों तमाम नेता बाइट देने के लिए आ गए कि परिवारवाद है? अगर इंटरनल इशू है तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते। आपके तो फौरन बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निकल आए इस फैसले के बाद। सुन तो लीजिए, मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ प्रियंका जी को। मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूँ प्रियंका जी को कि राजनीति में आई है, सक्रिय राजनीति, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका। लेकिन देखिए, परिवारवाद की बात तो बिल्कुल रहेगी। आप अगर देखे जाए, देखिए मुझे मुझे बोलने तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री है, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय यहाँ पर यह है कि नेहरू जी थे, उसके बाद राजीव जी, इंदिरा जी थी, फिर राजीव जी थे, फिर सोनिया जी थे, अब फिर राहुल जी थे, अब प्रियंका जी है, फिर वाडरा जी भी रहेंगे। नहीं नहीं, मैं तो परिवार का बता रहा हूँ, परिवार की बात बता रहा हूँ। अब बोले तो दीजिए शोभना जी, वाड्रा जी भी थे, अब उनके बच्चे भी आ जाएंगे, तो कुछ नई चीज नहीं है। लेकिन राहुल जी जिस तरीके से पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आज प्रियंका जी, मैं कहूंगा कि क्लाउन प्रिंस जो थे वो फेल होने के बाद आज प्रिंसेस को उतारा गया, तो अच्छी बात है। लेकिन वो बिहाइंड द कर्टन्स तो पहले भी थी। अगर आप देखा जाए कि अमेठी हो चाहे रायबरेली, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश ही क्यों दिया गया? और दूसरे जो वहां पर भेजे गए वो भी एक परिवार से, सॉरी अपना सिंधिया जी। तो मुझे लगता है ये सब परिवारवाद की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन अच्छी बात है, ये उनको देता है, सब कुछ देता है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय देखिए, नहीं नहीं, आप आज देखिए यहाँ पर आज देश के एक प्रधानमंत्री हैं, उनके परिवार को खाना बता दीजिए ना। अरे आज देश में चुनाव होने जा रहा है, 19 में चुनाव होने जा रहा है, किसका? नहीं नहीं, इंजीनियर का बेटा, बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर, ये है शोभना जी आपके सवाल का जवाब। आज आप बोलने दीजिएगा, हमारे 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने रहे? लगभग 20 सालों में 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सूची है। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं पढ़ के बता दूं कब से कब तक। लेकिन कांग्रेस में 19 साल तक सिर्फ सोनिया जी है, तो ये परिवारवाद, ये अरे स्वीकार करती तो 44 पे नहीं लाते। तो मुझे लगता है शोभना जी मुझे लगता है देखिए, ये कांग्रेस की जो स्थिति है वो सामने है, और राहुल गांधी जी पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। और लाएं, देखिए जनता जी को जवाब दे रही है, वो भी मैं जवाब लूंगी। मेरे साथ प्रेरणा सिंह जी है कि राहुल गांधी कैसे विफल हो गए, ये भी मैं उनसे जानूंगी। मनीष सर कुछ बोलना चाह रहे हैं रोहित जी के जवाब पे। रोहित, जहां तक आप बात कर रहे हैं परिवारवाद की, तो आपका परिवार आप जानते हैं 35 संगठनों का परिवार है, और उसी परिवार के स्कूलिंग से निकलकर आप नेता बनते हैं, बिल्कुल, जिसका नाम संघ परिवार है। बिल्कुल, तो बात परिवार केवल एक नाम की है कि गांधी परिवार, इस नाम को जोड़ के ठाकरे परिवार, ये परिवारवाद, वंशवाद, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन आप ये न कहें कि आप किसी परिवार से नहीं आते, आपका परिवार में सामने तौर पर है, ये तो कहते हैं कि हम राजनीति करना है, आपका परिवार कहता है कि हम तो राजनीति करना है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है,
लेकिन गांधी परिवार एक पार्टी है। मैं संघ परिवार की बात कर रहा हूं जो ये कहते हैं। मुझे गर्व है कि मैं संघ परिवार से हूं। प्रेरणा जी मुझे गर्व है। चलिए प्रेरणा जी बीजेपी का आरोप है, वैसे तो ये लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का इंटरनल मामला है, लेकिन जैसे ही ये इंटरनल मामला पब्लिक हुआ और प्रेस रिलीज आई, फौरन इनके तमाम बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतर आए। लेकिन क्या इसको राहुल गांधी की विफलता का जो आरोप आपके ऊपर बीजेपी लगा रही है, क्या इसको इस नजर से देखा जाना चाहिए? देखिए शोभना जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं वो किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। तो जो भी बयानबाजी और जो भी उनकी तरफ से बातें आ रही हैं वो सिर्फ बौखलाहट में और हड़बड़ाहट में आ रही हैं। राहुल गांधी जी कहां से विफल हैं? पिछले एक साल में उन्होंने 5 राज्यों में भाजपा का सूपड़ा साफ किया है, 3 मुख्य हिंदी भाषी राज्यों में हमारी सरकार बनी है, ठीक है। उसके अलावा लगातार राहुल गांधी जी जो है वो एक बेहतरीन नेता के रूप में उभर रहे हैं। हाँ। भाजपा के मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जा रही है। प्रेरणा जी पर पूर्वी उत्तर प्रदेश को क्यों चुना गया है बताते हैं? प्रेरणा अलावा मेरे को अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश को क्यों चुना गया है? पूरे उत्तर प्रदेश शोभना जी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। हाँ कीजिए। देखिए वो कांग्रेस का निजी मामला है, वो प्रियंका जी की, राहुल जी की और जो लीडरशिप का डिसीजन है। प्रियंका जी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है क्योंकि वो पहले भी वहां पर उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, रायबरेली कमेटी के चुनाव वो पर्सनली देखती रही हैं, और कार्यकर्ताओं का विश्वास जो है वो प्रियंका गांधी में है। और काफी समय से ये सेंटिमेंट था कि भाई प्रियंका जी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करके ये डिसीजन लिया और पूरे देश के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2019 में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें यूपी की राजनीति में, ठीक है। चलिए उस बदलाव पे भी बात करेंगे। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। राजकुमार जी, ये कहा जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छी पकड़ थी, हालांकि विधानसभा में सूपड़ा साफ हो गया था आजमगढ़ छोड़कर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या जो नुकसान होगा प्रियंका गांधी के आने से वो गठबंधन के वोटों का आप देख रहे हैं या बीजेपी के वोटों को कटते देख रहे हैं? देखिए पहली बात तो प्रियंका गांधी ने जो जिम्मेदारी संभाली है उसका हम इस दृष्टिकोण से स्वागत करते हैं कि पढ़ी लिखी समझदार युवा महिला राजनीति में आई है, देश में अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ये स्वागत योग्य कदम है। दूसरे ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है, आप बताइए ना वोट किसका कटते हुए देख रहे हैं आप? प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को निश्चित तौर पर थोड़ी बढ़त मिलेगी। मैं यही पूछ रही हूं कि ये जो बढ़त मिलेगी ये आपके कट के मिलेगी या बीजेपी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होना भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, और उसमें वो सबूत भी दे रहे हैं। हाँ। जिस तरह से बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं प्रियंका गांधी की घोषणा होने के तुरंत बाद से। हाँ। जिस तरह उलझुल बक रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में परेशानी तो आपके खेमे में भी है, परेशानी उनकी लोकप्रियता को लेकर आपके खेमे में भी है। आपको भी अब रणनीति पर विचार तो करना होगा और अभी भी देर नहीं हुई है, कांग्रेस को साथ ले सकते हैं ज्यादा सीट देके। दो बूंद दिए आपने, एक वाक्य बताते जिससे परेशानी जाहिर होती हो। ठीक है, चलिए ठीक है। नईम अब्बास जी, किसके वोट कटते हुए देख रहे हैं प्रियंका गांधी के आने से? देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि एसपी और बीएसपी के खेमे में कोई खलबली नहीं है, ठीक है। कल से ही आपने देखा होगा कि हमने इस बात का स्वागत किया है कि प्रियंका जी आए हैं। ये नहीं कि पूर्वी दिल्ली क्योंकि आप जातिगत समीकरणों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, उत्साह कई बार डुबा भी देता है। नहीं, हमने कब कहा, हम तो कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं कर रहे। दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक आपका अपना है, आप इसी उत्साह में हैं। शोभना जी, इस बारे में हमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। पहली बात तो ये है, आज जैसे रोहित भाई एक बहुत बड़ा पेपर लेके आपके सामने आए थे और वंशवाद की बात वो कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आज वो अपना शायद मैनिफेस्टो लेके आए होंगे और जनता के बीच में रखेंगे, एक एक बिंदु में बताएंगे। रोहित जी क्यों आएंगे अभी? लेकिन एक भी बिंदु पे वो बात नहीं करते नजर आ। उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी फेल हो गए,
गठबंधन फेल हो गया, गठबंधन को ये हो गया, गठबंधन को वो हो गया, अपने बारे में एक शब्द नहीं बताते। और कल से आपने देखा होगा मोदी जी भी जो है भाषणों में सबसे ज्यादा गठबंधन पे, गठबंधन पे और प्रियंका गांधी पे बोलते नजर आए, वशवंत पे नजर बोलते नजर आए। अरे भाई अपना वशवंत तो देख लो, ठीक है, अपनी पार्टी में कम से कम, चलिए ठीक है, बता देता हूँ आपको, मुझे 35 लोगों की लिस्ट तो मैं भी दे सकता हूँ आपको, आप लोगों के पक्ष परिवार आ गए हैं, परिवार की एंट्री हो गई है अब तो, अरे अब तो 75,000 के जूते भी पहन रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, पब्लिक ने तय कर लिया है, पेट्रोल पंप पर पब्लिक ने तय कर लिया कि आपके भाई जूते जो है बीजेपी के नेताओं को चलाने वाले हैं, मोदी जी के भाई जो है मोदी जी के बसों को चलाने वाले हैं, तय कर लिया है। अरे रोहित आप हजारों रोहित देखिए, आप देख लीजिए, आप जय शाह को देखिए, जय शाह 16,50,000 से 16,000 गुना बढ़ गया, आप लोग जाने भैया, आप देखिए परिवारवाद है, आप आपके यहाँ देखिए ना परिवार है, आप जय शाह की बात नहीं करते हो कि वो कितना बढ़ गया, 16,000 गुना बढ़ गए आप, अरे भैया मायावती जी ये जूते देख रहे हो, मायावती जी के भाई देखना, रोहित जी एक मिनट रुक जाइए, रोहित जी हम ऐसे देश में आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर एक बच्चा कुछ निकल जाता है, पढ़ लिख जाता है, तो वो पूरे परिवार को ऊपर उठा लेता है, तो इसको कृपया क्रेडिट की तरह ना लें कि वो आज भी पेट्रोल भर रहे हैं। नहीं नहीं मैं मान रहा हूँ ना, लेकिन किसी का एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, मुझे रुकना पड़ रहा है हेडलाइंस के लिए, और हेडलाइंस लेके लौटते ही मैं अब सीनियर जर्नलिस्ट का रुख करूंगी कि प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस के अच्छे दिन ला पाएंगी। हेडलाइंस के लिए रुक रहे हैं। तो पहली बहस बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, अब मैं सीनियर जर्नलिस्ट जो है उनको शरीक करना चाहूंगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, रोहित चहल जी बीजेपी के लीडर हैं, प्रेरणा सिंह जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, नईम अब्बास साहब बीएसपी के सपोर्टर हैं, विद्याशंकर तिवारी जी कंसल्टिंग एडिटर हैं इन खबर पर, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, और मनीष अवस्थी सर चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं। विद्याशंकर तिवारी जी, इसको आप कांग्रेस का तुपका इक्का कहेंगे या राजनीतिक जुआ कहेंगे जो प्रियंका गांधी को एन 2019 से पहले उतारा गया है, ये जुआ खेला है कांग्रेस ने या तुपका इक्का? निश्चित रूप से कांग्रेस ने बहुत सेफ गेम चला है और ट्रम्प कार्ड तो उन्होंने खेला है, लेकिन उसमें इस बात का एहतियात बरता है कि बाय द वे हमारा ट्रम्प कार्ड फेल होता है तो बचाव में हम क्या कहेंगे। अदरवाइज ये बात अजीब सी लगी कि प्रियंका गांधी जैसी शख्सियत को महासचिव आपने चुनाव के अहम मौके पर बनाया और यूपी का आधा भाग दिया उनको, यूपी का आधा भाग दिया था, तो इसको लेकर के बहुत एनालिसिस हुई और बहुत सारे डिस्कशंस हुए, उसमें ये बात निकल करके आ रही है कि इन्होंने साथ में इस बात का ध्यान रखा है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में बहुत ज्यादा उलटफेर होने वाला है इनके आने से, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, दूसरी बात कि कांग्रेस जो ये विपक्षी गण चाहे बीजेपी हो चाहे गठबंधन हो जो भी वो कह रहे हैं कुछ भी दावा करे, कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है वो रहा है ब्राह्मण दलित और मुस्लिम, और बहुत दिनों से यूपी में मांग चल रही थी किसी ब्राह्मण चेहरे को लाया जाए, तो गुलाम नबी आजाद को हटा करके हरियाणा भेजना, प्रियंका गांधी को ले आना, उनके साथ में ठाकुर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आना, और अब प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात चल रही है, उनकी जगह पर दलित ले आने की बात चल रही है, तो वो परंपरागत वोट को जोड़ने की कोशिश की गई। मुझे ऐसा लगता है जिस अंदाज में गुलाम नबी आजाद को हटाया गया, चूंकि जैसे ही इस गठबंधन का ऐलान हुआ था उसके बाद गुलाम नबी आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप याद करें और उन्होंने जिस तरह से ललकारा था, कांग्रेस ये जानती है कि कांग्रेस का 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में नामो निशान खत्म सा हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब अगर उसमें संजीवनी के रूप में अगर प्रियंका गांधी दिख रही, एक तो सबसे पहले यह साफ करना होगा कि प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव नहीं है, अब वो पार्टी की महासचिव है, तो ये जो लगातार कहा जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की प्रभारी चुनाव प्रभारी। हाँ, और दूसरा आप ये देखें शोभना कि प्रियंका गांधी पे जिम्मेदारी केवल यूपी की नहीं है, यूपी एक वो 80 सीटों का राज्य है जहां से प्रधानमंत्री पहुंचता है, और यहां पर दो ऐसे देश के बड़े चेहरे हैं जिसमें प्रधानमंत्री खुद हैं, आदित्यनाथ हैं, और उसमें प्रियंका को उतारना, क्योंकि जैसा कि कहा जाता रहा है कि इंदिरा की छवि प्रियंका में देखी जाती है, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा, दर्शकों से कहना चाहूंगा कि उम्मीदें और चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं जिसमें प्रियंका को साबित करना होगा। मनीष सर, क्या आप इसको इस तरह नहीं देखते हैं, क्योंकि पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ आते हैं, नरेंद्र मोदी आते हैं, बड़े चेहरे आते हैं पूर्वांचल से, ऐसे में कांग्रेस की जमीन ऑलरेडी वहां पर कुछ है नहीं, अगर हार का ठीकरा भी प्रियंका गांधी पर ही फूटेगा?
देखिए समीकरण सब जानते हैं, अभी कांग्रेस के सामने संकट यह है कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़े या गिनी चुनी 30-35 सीटों पर, जिसको लेकर अभी मेरे ख्याल से मंथन का दौर शुरू होगा। लेकिन इस गठबंधन ने एक काम तो जो किया था, जो बेहतर किया था, वो ये कि उन्होंने 2 सीट रायबरेली और अमेठी पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान कर दिया था। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस समाजवादी के 5-6 जो उनके घर की सीटें हैं उन पर टैसिटल अंडरस्टैंडिंग के तहत क्या कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी? तो ये सारी बातों का मंथन कांग्रेस में भी चल रहा है। और जैसे ही विद्याशंकर जी, एक सवाल मैं आप ही से लेने वाली थी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या अब प्रियंका गांधी का नाम सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन विचार करेगा? क्या हम अब ये गुंजाइश देखें, क्योंकि अभी कोई सीटों के ऊपर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, कि ये गठबंधन में कांग्रेस भी शरीक हो जाए? उनके नाम के ऐलान के साथ ही राहुल गांधी ने जो संकेत दिया था कि सपा बसपा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत हो सकती है, उसका उसी बयान को देख के मैं गुंजाइश की बिल्कुल गुंजाइश है। और राजनीति में हर समय गुंजाइश रहती है। वो लोग भी देख रहे हैं, सपा बसपा भी देख रही है कि प्रियंका गांधी के आने से हमारा वोट बैंक भी बटेगा, यदि बीजेपी को नुकसान होगा तो उनको भी नुकसान होने जा रहा है। लेकिन एनालिसिस तो ये कह रही थी ना मनीष जी कि सवर्णों के वोट कटेंगे, दलित ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक फिक्स है, हो गया है गठबंधन के साथ। अब जो वोट बैंक बचा है वो सवर्णों का फिक्स वोट बैंक है, अब उसमें सेंधमारी कर दी है कांग्रेस ने। जी जाहिर सी बात है शोभना, आप एक चीज और देखें कि कांग्रेस में अभी जो कार्यकर्ता था यूपी में वो एक तरह से सुस्त, बेबस और लाचार पड़ा हुआ था। अब प्रियंका को पार्टी में लाए जाने की, सक्रिय रूप से सामने पर्दे पर लाए जाने को लेकर काफी समय से मांग उठ रही थी। आप ये समझिए लगातार कृपाशंकर सिंह और बड़े बड़े नेता इस बात की मांग को लेकर कुछ न कुछ संकेत और संदेशों में भी कह देते थे कि जल्दी आएंगी प्रियंका। ये सारी बातों के मद्देनजर जो कार्यकर्ता सुस्त था उसमें एक नई आएगी, बिल्कुल ठीक है। प्रेरणा सिंह जी, क्या माना जाए कि आप गठबंधन से नए सिरे से बात कर सकती हैं प्रियंका गांधी, या मन बना लिया है कांग्रेस ने कि अकेले ही अपना दमखम साबित करेंगे? राहुल जी ने पहले भी कहा है कि हम लोग ओपन हैं, जो सिमिलर माइंडसेट या सिमिलर विचारधारा वाली पार्टियां हैं हम उनके साथ गठबंधन के लिए हम लोग तैयार हैं। अब ये आगे पता चले नए समीकरण बनते हुए नहीं, बाकी अगर गठबंधन नए समीकरण बनते हुए कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में देखिए कांग्रेस पूरी शोभना जी ये तो आने वाला समय बताएगा। आज की तारीख में कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती के साथ 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, मगर हमारा लक्ष्य है कि जो देश में इस समय सांप्रदायिक ताकतों का राज चल रहा है उनको खत्म करना है। अगर उस लक्ष्य पर बढ़ने के लिए हमें किसी भी लोगों के साथ आकर तो कांग्रेस है इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय पे मंथन होगा, रणनीतियां बनेगी और जो भी होगा वो सबके सामने होगा। प्रेरणा जी, अंदर की बात ये बता दीजिए कि किस वोट बैंक पर नजर है, किसका काटने जा रही है, गठबंधन का या बीजेपी का? ये तो प्लानिंग के साथ ही उतरे होंगे ना, जब प्रियंका गांधी को उतारा है, वो अंदर की बात बता दीजिए। देखिए कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो समानता की बात करती है, जो सबकी बात करती है, जो दलितों की, वंचितों की, कमजोर वर्ग की बात करती है, और एज सच कोई वोट बैंक की बात नहीं करती। ये पूरा देश कांग्रेस का है और कांग्रेस सभी की बात करती है, जिन लोगों का जो लोग कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, ठीक है, वही कांग्रेस का वोट बैंक। चलिए ठीक है। राजकुमार भाटी जी, कांग्रेस बड़े नरम शब्दों में कह रही है कि वो हर तरह के गठबंधन के लिए तैयार है। कल राहुल गांधी को भी हमने सुना, उन्होंने बीजेपी के कुछ आसन की तो बात करी, लेकिन समाजवादी पार्टी को उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया जब उन्होंने किसानों का जिक्र किया। तो क्या ये ऑप्शन खुला हुआ है, क्या ये जो गठबंधन है ये कांग्रेस के साथ महागठबंधन बन सकता है? कुछ गुंजाइश है, कुछ अंदर खाने, कुछ करंट चल रहा है, वो जानना चाहते हैं आपसे। देखिए गठबंधन में किसी पार्टी के शामिल होने की गुंजाइश है या नहीं है, या कोई एक आध सीट किसी पार्टी के लिए छोड़ने की गुंजाइश है या नहीं है, ये निर्णय केवल हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी ले सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरी अपनी राय है, गठबंधन तय हो चुका है, अब गठबंधन में कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो चुनाव शुरू होने वाला है, चुनाव की घोषणा हो जाएगी और चुनाव मैदान में उतरेंगे, जैसा अब आंधियां ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जल जाएगा।
ये तो आपका अति उत्साह है क्योंकि आप जानते हैं कि आपको लग रहा है कि बहन जी आ गई है तो दलित वोट आपके साथ आ गया है, लेकिन ये भी याद रखिए कि इसी दलित वोट ने विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से नकार दिया आत्मविश्वास है। बहन जी को पूरी तरह से नकार दिया है इसी दलित वोट ने 14 के नतीजे की बात करिए। परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं शोभना जी, हाँ परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती है। लेकिन अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो वो तो रवैया बहुत सॉफ्ट लेके चल रहे हैं, वो हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, बहन जी झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो समझ लीजिए कि आगे भी ये लड़ाई कड़ी हो सकती है। इतिहास ऐसा ही रहा है बहन जी का। शोभना जी आपको बताया क्या अलग से जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस देकर हम तो पूरी रिसर्च करके बैठते हैं ना, हम तो इतिहास विशेष पार्टी का जो हिसाब है हम सवाल पूछेंगे ना, इंटरनली मामला है वो हम अपने स्तर से देखेंगे कि हमें किसको गठबंधन में। चलिए विद्याशंकर जी अपनी मर्जी से रूप बदल देती है, ऐसा थोड़ा ही होता है। ये कह रहा था कि राजनीति में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दांव ऐसे चले जाते हैं जो अपनों के लिए भी चले जाते हैं। अभी जो इनका महागठबंधन बिहार में है वहां सीटों को लेकर के जिस तरह से रस्सा कसी है, महागठबंधन झारखंड और यूपी को लेकर के 134 सीटें हैं, तो ये अपनों के लिए भी दबाव बनाने का एक कदम है जिस तरह से ये ट्रंप कार्ड चला गया और ये मैसेज दिया गया है। तो ये जो अपने हैं ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को आप कह रहे हैं। बिहार तेजस्वी यादव यूं ही लखनऊ नहीं आए थे, उसके पीछे भी उनकी अपनी रणनीति थी, तो उनको भी मैसेज दिया गया है कि जो हमको आप कह रहे हैं कि 5-7 सीटों पर लड़ लीजिए तो हम अकेले भी लड़ सकते हैं मैसेज में। मैं यही कह रहा था शोभना जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई आप प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव मत समझिए। प्रियंका गांधी कांग्रेस दल की महासचिव हैं और वो भी अध्यक्ष की बहन और सारी चीजें पर्दे के पीछे पहले भी खेलती रही। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश दिया गया 40 सीटों की जिम्मेदारी, तो इस पर थोड़ा सा ताजुब हुआ कि जो उनमें मटेरियल है जिस स्टेचर की वो नेता है उसके लिहाज से अदरवाइज ये इसके पीछे इसका जवाब मैं प्रेरणा जी से ले लेती हूँ, फिर रोहित जी आपके पास आऊंगी। प्रेरणा जी, क्या प्रियंका गांधी सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की चुनावी सभाओं तक ही आप कांग्रेस पार्टी सीमित करने जा रही है या पूरे देश में इस चेहरे को इंदिरा गांधी की छवि को जिंदा करने की कोशिश प्रियंका गांधी के जरिए से कांग्रेस करेगी, ये तो आपको पता होगा। देखिए राहुल जी ने बोला है कि प्रियंका जी जो है उनके साथ मिलकर काम करेंगी और राहुल जी के आने से जो सकारात्मक बदलाव पिछले एक साल में आया है प्रियंका जी के आने से, क्योंकि एक और एक 11 होता है वो बदलाव जो है दुगना हो जाएगा और उसका असर जो है देश भर में होगा। प्रियंका जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनकी छवि देश भर में है और निश्चित तौर पर जहां भी उनकी जरूरत होगी प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी का योगदान देंगी। पूछ लेती हूं, आपने भी कहा हाँ प्रेरणा जी, कल मेरी कई लोगों से बातचीत हो रही थी तो क्या प्रियंका गांधी में प्रधानमंत्री पद की भी गुंजाइश हम देखें, लोगों का ये सवाल था, वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी बैक कर जाएं और 2019 में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में निकल कर आपने कहा। देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है लेकिन इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगी, ये तो तय जो है वो सांसद करेंगे जो भी संसद में चुनकर जाएंगे, इसका जवाब उसका जवाब है। आप मत कहिए ये बात, कैसे तय कर सकते हैं, आप मत कहिए, बट राहुल जी भी काबिल है, आपकी पार्टी जी भी काबिल है, आप कह रही हैं कि सांसद तय करेंगे। रोहित जी, शोभना जी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी शोभना जी बात राहुल गांधी जी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रेसिडेंट चुना है, राहुल गांधी जी ऊपर से नहीं आ गए हैं। चलिए अमित शाह जी को मोदी जी ने अमित शाह जी कमरे में प्रेसिडेंट रोहित जी अमित शाह और मोदी की जोड़ी के सामने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जोड़ी अब आ गई है, लोगों को की एक्सेप्टेंस भी है इस जोड़ी को, डर लग रहा है क्योंकि अब यह जोड़ी उत्तर प्रदेश से बाहर भी निकली। देखिए डर का एक बंधन और डर बंधन तो एक गठबंधन जो ठग बंधन भी है उसके लिए डर तो उन्हीं से पूरे ठग बंधन यार कम से कम अरे भैया अपने वाले सुन लीजिए बताइए ना सुन रहा भैया सुन लीजिए आप रोहित भाई देखिए मैं आपको देश की देख रहे हैं
सबसे ज्यादा गठबंधन पे सवाल उठा देते हैं। आप बोलिए, आप ही के बारे में बता रहा हूँ। आप एक बात बताइए, हमने आपके गठबंधन के बारे में एक क्वेश्चन किया हो पूरी डिबेट में, आप मुझे बताइए। और आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, और सब सुन लीजिए, सारे मिलकर गठबंधन बताइए। अली बाबा 40 करोड़, राहुल गांधी जिस तरीके से लगे हैं, आप बताइए। दूसरा, सांप नेवले की लड़ाई लड़ने वाले उत्तर प्रदेश में, आज गठबंधन की बात कर रहे हैं। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, इस्तेमाल जो करते हैं ये सबसे बड़ी तो सुनने में यूपी में आप भी लड़े हैं। यहाँ पर रहिए, बहन जी के भाई कलराज मिश्रा हैं। आज दिक्कत है, आप बताइए, बुआ के लिए, बुआ के लिए, अगर एक बहन आई है तो बुआ के लिए, बुआ के लिए दिक्कत है। इनको कौन सी जिंदगी पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव जी को कॉम्पिटिशन देने के लिए उनकी बहन आ गई है। अखिलेश जी को जिंदा होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर है नहीं गठबंधन, कहाँ पर है बताओ। अब सुन लीजिए, अब गठबंधन कहाँ पर है, जमीन पे सुनिए, उत्तर प्रदेश में सुनिए, उत्तर प्रदेश में गठबंधन है क्या? देखिए उड़ीसा के अंदर बीजू पटनायक जी ने कोई गठबंधन दिया, तेलंगाना में दिया है, अरे मध्य प्रदेश भी तो सामने है, बीएसपी ने मना कर दिया था, छत्तीसगढ़ भी तो सामने, कांग्रेस अपने दम पर आ गई है, इसलिए इसलिए इतना हल्के में मत लीजिए। मनीष जी, मनीष जी रुक जाइए, मनीष जी को रोकने में सारे लोग लगे, सारी ताकत लगी हुई है, मनीष को रोकने के लिए ये वो ताकत है जो विरोधी ताकत है, और एक देश प्रेमी ताकत है, एक भ्रष्टाचारी है, और एक जो देश को आगे बढ़ाने की ताकत है। रुक जाइए, आप रुक जाइए, देश की जनता है, और 12 करोड़ कार्यकर्ता, रोहित जी आप रुक जाइए, रोहित जी आपके, रोहित जी अरे शांत हो जाइए, प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप दोनों, अरे दोनों शांत हो जाइए। अरे बड़ी अच्छी बहस चल रही है, गठबंधन जायज है, आप लोगों का मोदी जी से डर जायज है। अरे रुक जाइए, आतंकवादियों के खिलाफ आज आतंकवादी एक घोर आतंकवादी प्रेमी के, आज अफजल प्रेमी का एक घोर है, आज नक्सलवादी प्रेमी का एक घोर है। मेरे ख्याल से आप दोनों का भाई का हम भटकिए मत, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, नहीं जी, नहीं जी, और रोहित गांधी की, नहीं जी, अरे रुक जाइए भाई, उसका माइक ऑफ करिए, रोहित प्रियंका गांधी पर रहे, रुक जाइए, नहीं जी, मनीष 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 सर, अरे रुक जाइए, अरे सुन लीजिए रोहित जी, सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए, उनकी एनालिसिस सुनेंगे तो हो सकता है आगे रणनीति बनाने में कुछ मदद हो जाए। ये एरोगेंस मत दिखाइए आप नेता, रोहित बात बात हो रही है, रुक जाइए, मनीष सर, मनीष सर हो रही है प्रियंका गांधी, मनीष सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको उत्तर प्रदेश में अब आप त्रिकोणीय लड़ाई देख रहे हैं, बुआ बबुआ की जोड़ी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जोड़ी, अमित शाह और मोदी की जोड़ी? जाहिर सी बात है ये सीधे तौर पर त्रिकोणीय, आप ये समझिए कि ये जो संघर्ष होगा त्रिकोणीय होना तय है, तय पहले इसलिए था कि भाई कांग्रेस ने ये कमर कस ली थी कि गठबंधन में जब उन्हें शामिल नहीं किया गया, अलग थलग पड़ गई थी कांग्रेस, हाँ। नामो निशान बिल्कुल खत्म सा हो गया कांग्रेस का यूपी में, हाँ। उस यूपी में जहां से कांग्रेस ने राजनीति के शीर्ष तक देखा है, हाँ। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी का आना, और जैसे कि तिवारी जी कह रहे थे प्रभार दिया गया है, क्योंकि सारी जगह बात हो रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश महासचिव प्रियंका गांधी देखेंगे, अरे वो पार्टी की महासचिव है, वो तो सब देखेंगे। मेरी जानकारी कल कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि दक्षिण भारत में भी प्रियंका गांधी की रैलियां होंगी, क्योंकि वहां पर इंद्रम्मा आज भी है, इंद्रम्मा की छवि प्रियंका में लोग देखते हैं, तो जहां जहां इसका फायदा पार्टी को होगा वहां प्रियंका जाएंगी, और जायज है, यही सियासत है। तिवारी जी, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि इंदिरा गांधी की छवि को कितना कैश प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस कर पाएगी? क्या आपको लगता है कि भावनाओं का देश है जब वो सूती साड़ी बॉर्डर वाली पहनकर से ढककर उसी हेयर स्टाइल के साथ लोगों के बीच गांव में उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगी पूरब में, और खाट पर बैठकर औरतों के साथ चर्चा करेंगी तो किसी वोट बैंक को वो जरूर प्रभावित करेंगी, इमोशनल कार्ड खेलेगी कांग्रेस? इसमें कोई दो राय नहीं कि उनमें प्रियंका गांधी में मास अपील है और उनमें इंदिरा गांधी दिखाई देती है, और भारत जो है इमोशनल कंट्री है, लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं, लेकिन क्या उस तरीके की विजनरी नेता भी वो साबित होंगी भविष्य में? लेकिन वाला मैं सुन लीजिए, लेकिन 1971 और 2019 में बहुत ज्यादा अंतर है, जब उन्होंने इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, लोग कहते हैं कि इंदिरा हटाओ मैं खाती हूँ, गरीबी हटाओ, तो ये इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं वो जो एक तरफ एनडीए मोदी के नेतृत्व में है और दूसरी तरफ अलग अलग प्रदेशों में जो गठबंधन बन रहा है, उस तरह की परिस्थिति नहीं है। अब की बार इतना जरूर होगा कि इनके उतरने से लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी,
मुकाबले में आ जाएगी कांग्रेस, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ जाएगा, लेकिन वो कितना भीड़ को या मास को कितना वोट में तब्दील कर पाए, ये एक बड़ा सवाल है। रोहित जी, चर्चा खत्म करने का समय आ रहा है। देखिए शोभना जी, मुझे लगता है आप याद कीजिए 2009 के अंदर भी उन्होंने कैंपेन किया था जब 22 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की, और 2014 में भी 2 सीटें आई थी। मुझे लगता है अब पूरी तरीके से जीरो हो जाएंगे और जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। देखिएगा आप कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी अमेठी से हारने वाले हैं, सोनिया जी हारने वाले हैं। चुनावों में कोई ज्यादा समय नहीं है, मुझे चर्चा समय खत्म करने का समय आ गया है। मेरे पास इतना ही वक्त है और मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि 10:45 पर रोज हम एक बड़े मुद्दे पर पहली बहस लेकर आते हैं एक बड़े पैनल के साथ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक पर जाने से पहले नजर हेडलाइंस।